iPhone 11 डिटेल्ड कैमरा टेस्ट इन 2023 2023 में आपको iPhone 11 के कैमरे की तरफ जाना चाहिए। इसके कैमरे की परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंडर्ड करती है, इसकी फोटोग्राफी कैसी है, इसकी वीडियोग्राफी कैसी है, नाइट टाइम में हमें किस तरह की फोटो प्रोवाइड करता है, सब कुछ आज हम डिटेल्ड में टेस्ट करेंगे। आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि 2023 में हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देता है iPhone 11। तो सबसे पहले हम इसका वीडियोग्राफी टेस्ट करेंगे। अब अगर आप वीडियोग्राफी नहीं देखना चाहते तो आगे भगा के वीडियो को स्किप करके फोटोग्राफी भी देख सकते हैं, वो मैं आगे जाके डालूंगा। तो जल्दी से आइए वीडियोग्राफी टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके बैक पे हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक मेन कैमरा देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60fps के ऊपर iPhone 11 के अंदर, जहाँ पे आप इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका फोकस भी दिखा देता हूँ। वहीं पे अगर आप इसके डायनेमिक रेंज की बात करते हैं तो मैं आपको इसकी डायनेमिक रेंज वगैरह भी दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह की देखने को मिलती है। और अगर आप स्टेबिलाइजेशन की बात करते हैं तो इस टाइम मैं चल रहा हूँ तो आपको इसकी स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें 4K 60fps के ऊपर iPhone 11 की स्टेबिलाइजेशन हमें किस तरह की देखने को मिलती है। और अगर आप फ्रेम शिफ्ट का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। और 4K 60fps के ऊपर तो आप अल्ट्रा वाइड लेंस के दरमियान शिफ्ट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं, एक बार मैं आपको 1080p के सैंपल दिखा देता हूँ 60fps के ऊपर। तो ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60fps के ऊपर, जहाँ पे आप इसकी फोकस वगैरह का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और डायनामिक रेंज भी आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल इस टाइम टॉप के ऊपर सूरज है, और आप पीछे देख सकते हैं कि क्लाउड वगैरह अच्छे से आ रहे हैं, और वहीं पे शेडो वगैरह को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे बहुत नाइस देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप स्टेबिलाइजेशन का अंदाजा लगाना चाहते हैं और फ्रेम शिफ्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम भी हमें बिल्कुल स्मूथ देखने को मिलते हैं। और आप इसकी स्टेबिलाइजेशन एक बार मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ कि इस टाइम मैं चल रहा हूँ तो आपको इसकी स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस के दरमियान शिफ्ट करना चाहते हैं 1080p 60fps के ऊपर तो वो भी आप कर सकते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस के दरमियान शिफ्ट कर लिया हुआ है, और अल्ट्रा वाइड लेंस की परफॉर्मेंस मैं आपको अल्ट्रा वाइड लेंस वाले सेक्शन में चल के दिखाता हूँ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ हो रही है 4K 60fps के ऊपर, जहाँ पे आप इसके व्यू देख सकते हैं कि हमें किस तरह का देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस में सबसे ज़्यादा मैटर करती है डायनामिक रेंज। टॉप पे मेरे सूरज है, नीचे आप डायनेमिक रेंज एंड शेडोज एंड ग्रीनरी वगैरह देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। और वहीं पे स्टेबिलाइजेशन का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं एक बार आपको चल के भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबिलाइजेशन भी हमें ओवरऑल बहुत अच्छी देखने को मिलती है। नो डाउट वीडियोग्राफी में इस टाइम iPhone 11 अपने पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो एक बार 1080p पे भी मैं आपको अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p के साथ अल्ट्रा वाइड के साथ, ज़्यादातर बेहतर है क्या, बहुत से लोग 1080p 60fps के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, तो ये वाले परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। जहाँ पर मैं चल रहा हूँ तो आपकी इसको स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो गया होगा हमें किस तरह की देखने को मिलती है। और बाकी फ्रेम शिफ्ट का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप इसके फ्रेम हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं। डायनामिक रेंज वगैरह भी ओवरऑल अच्छी है, तो आप स्टेबिलाइजेशन भी देख सकते हैं कि कितनी देखने को मिल रही है हमें। वहीं पे अगर आप फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट से भी हम 4K 60fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब फ्रंट के रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से हो रही है 4K 60fps के ऊपर। फ्रंट कैमरा से डायनेमिक रेंज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिली, बहुत ब्लाउन आउट कर दिया हुआ इसने। और अगर मैं खुद को ले आता हूँ बिल्कुल सूरज के सामने तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ अजीब सा ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर व्लॉगिंग करनी भी है तो आप मेरा ख्याल में फ्रंट कैमरा यूज़ ना करें तो आपके लिए बेहतर है, बैक कैमरा से व्लॉगिंग आप अच्छी कर पाएंगे। एक बार मैं आपको इसके 1080p रिजल्ट भी दिखा देता हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60fps के ऊपर, जहाँ पे फ्रेम वगैरह तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बस कमी है तो डायनेमिक रेंज की, क्योंकि फ्रंट कैमरा में हमें HDR देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से ब्राउन आउट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारे बैक साइड के ऊपर। जहाँ पे हार्श लाइट आ रही है वहाँ पे ना मुझे अच्छे खासी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो यहीं पर एक बार मैं आपको बैक कैमरे का रिजल्ट दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कितना फ़र्क देखने को मिलता है आपको। उसी जगह पर मैंने बैक कैमरा के साथ 1080p 60fps के ऊपर रिकॉर्डिंग किया, जहाँ पर अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरे बैक पर डायनेमिक रेंज कैसी आ रही है, जहाँ पर हार्श लाइट है वो कैसी आ रही है, और शेडो एरिया वगैरह किस तरह का आ रहा है। अगर आप बैक से रिकॉर्डिंग व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तो एक बार ब्लैक बैक कैमरे से आपको मैं 4K के भी और अल्ट्रा वाइड के भी सैंपल दिखा देता हूं। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ 4K 60fps के ऊपर। डायनेमिक रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, उम्मीदें अच्छी देखने को मिली होगी क्योंकि मेन कैमरा से बहुत अच्छी देखने को मिली थी। तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है बैक कैमरे के लिहाज से iPhone 11 आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इसको।
अब अगर आप फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फोटोग्राफी आपको मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड से दोनों से बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मुझे डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिली है, मुझे जो शेडो एरिया था वो बहुत अच्छा देखने को मिला, और जो मैंने क्लोजअप शॉट लिए आप देख सकते हैं कि उनकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आपने फोटोग्राफी के लिए भी कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत आउट क्लास रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास क्लाउड भी थे, हार्श लाइटिंग भी थी, शेडोज भी थे, तो ओवरऑल हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन किया आईफोन 11 ने। इमेज प्रोसेसिंग मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है, किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में अगर मैंने पिक्चर क्लिक किया है तो आईफोन 11 ने मुझे कोई इशू नहीं दिया। और मैक्सिमम जूम की बात करें तो आपको 6x तक देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल आपको हर किस्म की अच्छी पिक्चर देखने को मिल रही थी, मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड थी और ना ही बहुत ज़्यादा म्यूटेड कलर थे, ओवरऑल एक डिसेंट से कलर देखने को मिल रहा था, अच्छी डायनेमिक रेंज देखने को मिल रही थी, और उसके साथ साथ अल्ट्रा वाइड लेंस की तो बहुत ही क्या ही बात करूं मैं। मुझे बहुत अच्छा पसंद आया इसका डायनेमिक अल्ट्रा वाइड लेंस, जिसमें अगर आप शिफ्ट भी करते हैं मेन कैमरा से लेके अल्ट्रा वाइड के दरमियान तो आपको ज्यादा कलर शिफ्ट भी देखने को नहीं मिलता और डायनेमिक रेंज भी अच्छी देखने को मिलती है, एंड शेडो एरिया वगैरह भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े से पोर्ट्रेट्स के ऊपर। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो मेरे लिए शॉकिंग रिजल्ट थे, क्योंकि मुझे था कि बिल्कुल अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक नहीं करेगा क्योंकि हमें इसमें 2x वाला लेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसने मुझे बिल्कुल गलत कर दिया। इससे जो मुझे पोर्ट्रेट्स एंड एज डिटेक्शन देखने को मिल रही थी बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बैक पे जितने क्लाउड थे वैसे आ रहे थे, बहुत अच्छे से कलर्स को मेंटेन कर रहा था आईफोन 11। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा अपना एंगल क्रिएट जाके अच्छे पोर्ट्रेट एंगल सेट करके क्लिक करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल पोर्ट्रेट्स में भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, मुझे यही लगता था कि यहाँ पे ये डाउन करेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं आपको, कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, एज डिटेक्शन भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और अगर फ्रंट सेल्फी की बात करते हैं तो वैसी देखने को मिलती है जैसे कि फ्रंट वीडियो, डायनेमिक रेंज की कमी देखने को मिलती है बस, बाकी ठीक है डिटेल वगैरह। अब अगर स्लो मोशन की बात करते हैं तो आपको 240 fps देखने को मिलती है, जैसा कि अभी तक 14 प्रो मैक्स में भी यही वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ आपको 120 fps देखने को मिलती है। तो दोनों तरह के वीडियो में सैंपल मैं लगा दूंगा, दोनों बिल्कुल स्मूथ हैं, और इसमें हमें अल्ट्रा वाइड में भी 240 fps एंड 120 fps स्लो मोशन देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम अल्ट्रा वाइड लेंस से भी इसमें स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और स्लो मोशन बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई फ्रेम स्किप होता हुआ मुझे नहीं मिला। और बाकी कलर वगैरह आईफोन था जिसमें हमें नाइट मोड देखने को मिलता था, जहां पे कम लाइट होती है वहां पे ये ऑटोमेटिक नाइट मोड ऑन कर लेता था, और जहां पे ज्यादा लाइट होती थी वहां पे ये ऑटोमेटिक अपना नाइट मोड ऑफ कर देता था और नॉर्मल पिक्चर क्लिक करता है। तो ये अपने एक्सपोजर को ज्यादा करता है जब लाइट कम होती है, तो इस तरह का हमें इसमें नाइट मोड देखने को मिलता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूं। नाइट मोड भी हमें अच्छा देखने को मिलता है, जितनी मर्जी कम लाइट हो आपको एक डिसेंट और अच्छी सैंपल आप लोगों ने देखे वीडियोग्राफी में, नो डाउट नो मैचिंग। इस प्राइस में आपको कोई ऐसा फोन इतनी तगड़ी वीडियोग्राफी नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियोग्राफी में ज्यादातर बंदा अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करता है या मेन लेंस यूज करता है, तो उस लिहाज से तो 100% रेकमेंड है आपके लिए ये वाला फोन। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं 4K 60 fps, डायनामिक रेंज, हर चीज़ आपको वेरी गुड देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं फोटोग्राफी पे, तो फोटोग्राफी जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया होगा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो फोटोग्राफी है वो मुझे अच्छी देखने को मिली है, डायनामिक रेंज अच्छी थी। लेकिन पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में भी डायनामिक रेंज अच्छी थी 1x के लिहाज से, लेकिन अगर आप एक्सेस मैक्स की बात करते हैं या 11 प्रो से ऊपर वाले किसी भी मॉडल की बात करते हैं प्रो वाले की, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस के अलावा टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है, तो उस लिहाज से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। टेलीफोटो लेंस में ज़्यादा अच्छी पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं, अगर आपका पोर्ट्रेट्स ज़्यादा प्रेफर है, आपने ज़्यादा लेनी है, तो फिर आपके लिए यह फ़ोन इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वीडियोग्राफी करनी है, सिंपल फोटोग्राफी करनी है, अल्ट्रा वाइड लेंस को ज़्यादा यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आप आईफोन 11 को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह के कंपैरिजन में इस चैनल पर डालता रहूँगा, बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी नाइट मूड भी आपने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो 100% मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। 2023 में आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं आईफोन 11 फॉर कैमरा पर्पस के लिए। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।